hit the subscriber button to watch best educational videos and press the bell icon to get all the updates. तो हम शुरू करेंगे ब्रायोफाइट्स से. तो ब्रायोफाइट्स को हम लोग एम्फीबिया प्लांट किंगडम भी बोलते हैं क्योंकि ये सॉयल्स में होते हैं और इनको जो है पानी चाहिए होता है रिप्रोडक्शन करने के लिए. तो ब्रायोफाइट्स को इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम. ठीक है, एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम. क्यों? क्योंकि ये सॉयल में रहते हैं और इन्हें पानी चाहिए रिप्रोडक्शन करने के लिए. तो ब्रायोफाइट्स को दो क्लास में डिवाइड किया गया है. एक हो गया लिवरवुड्स और एक हो गया मॉफेज. ये हो गया मॉफेज. ठीक है, लिवरवुड्स को कैसे याद रखेंगे? जैसे यहाँ लीवर दिख रहा है तो आप बोलेंगे लीवर को खरीदना है कैसे, एमआरपी से खरीदना है. ठीक है, एमआरपी मर्चेंटिया रीशिया और ये पी से पोरेला. ठीक है, तो मार्चेंटिया से क्वेश्चन ये आता है कि ये क्या होता है, डायसीएफ होता है. क्या होता है? डायसीएफ होता है. डायसीएफ का मतलब क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमेटोफाइट अलग अलग होंगे. मेल और फीमेल गैमेटोफाइट अलग अलग होंगे. ठीक है ना, तो आपको अभी जैसे इमेज में दिख रहा होगा मेल और फीमेल गैमेटोफाइट. तो अब आपको इसमें भी दिक्कत होता होगा कि जैसे कुछ लोग को दिक्कत हो रहा होगा या फिर जिसको याद है अच्छी बात है. अगर जिसको डायसीएस मोनोसीएस में प्रॉब्लम होता है तो उनके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, डम्ब. डम्ब मतलब जानते हैं, मूर्ख. हाँ सही. तो डी से हो गया डायसीएस. ठीक है, जो डायसीएस होगा उसका मतलब क्या होगा, वो यूनिसेक्सुअल होगा. क्या होगा? वो यूनिसेक्सुअल होगा. और एम से हो गया मोनोसीएफ. जो मोनोसीएफ होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल. तो डायसीएस में यूनिसेक्सुअल मतलब उसमें एक ही रिप्रोडक्टिव होगा, या तो मेल का होगा या तो फीमेल का होगा. और जो मोनोसीएफ होगा मतलब एक ही बॉडी में दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे, मेल और फीमेल दोनों होंगे मोनोसीएफ में, इसलिए इसको बाइसेक्सुअल भी बोलते हैं. ठीक है, तो मार्चेंटिया में क्या होगा, ये डायसीएफ होता है मतलब मेल और फीमेल अलग अलग हैं. ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, जो मेल गैमेटोफाइट है वो मेल गैमेट बनाएगा और वो जो गैमेट है फीमेल के पास जाएगा, मतलब फीमेल थैमल थैलस के पास जाएगा और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा. ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये कि जो ब्रायोफाइट्स है इनमें मेन प्लांट बॉडी क्या होता है, मेन प्लांट बॉडी बोलिए या डोमिनेंट फेज बोलिए, वो क्या होता है, गैमेटोफाइट. वो गैमेटोफाइट होता है और उसका नेचर क्या है, गैमेटोफाइट जब भी आएगा ये कैसा होता है, हैप्लॉइड नेचर को होता है. कैसा होता है, हैप्लॉइड नेचर को होता है. ठीक है, अब ये आपको याद हो गया होगा. अब जो पोरेला है, पोरेला के लिए एक लाइन एनफैटिम लिखा कि एक स्टेम पे टू रोज ऑफ लिप्स इस तरीके से लगे हुए हैं, तो उनको याद रखिएगा. रीशिया इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सिंपलेस्ट होता है. ठीक है, सिंपलेस्ट होता है. और अब मॉफेज की बात करें तो मॉफेज को आप थोड़ा इस तरीके से याद करिए, आपको काफ़ी हो सकता है इंटरेस्टिंग लगे या बहुत बकवास लगे. ठीक है, जिसको ट्रिक पसंद है उसको अच्छा लगेगा. तो मॉफेज को आप बोलेंगे मौसा जी. क्या बोलेंगे? मौसा जी. तो मौसा जी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो क्या करेंगे, उनकी प्रतिमा को बनाएंगे. क्या करेंगे, उनकी प्रतिमा को पत्तियों से सजाएंगे. किससे सजाएंगे, पत्तियों से सजाएंगे या लीफ से सजाएंगे. ठीक है ना, सजाएंगे. तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिमा प्रोटोनिमा क्या होगा, इसमें जो गैमेटोफाइट इसमें होगा इसका नाम होगा प्रोटोनिमा. ठीक है, और जो इसका सेकेंड स्टेज होगा गैमेटोफाइट का वो होगा लीफी स्टेज. क्या होगा, तो पहले स्टेज में क्या होगा, प्रोटोनिमा, फिर क्या आएगा, लीफी स्टेज. अब मौफा जी के यहाँ गए हैं तो वहाँ पे क्या आ रहा है, फन आ रहा है. क्या आ रहा है, फन आ रहा है. फन से फन आ रहा है तो मतलब फुनेरिया, स्वैग आ रहा है. स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. तो देखिए स्वैग आ रहा है तो इसको हम नाम देंगे, स्वैग से हो गया स्फेगनम. दोनों का डायग्राम दिया है इसीलिए इसको इसी सीक्वेंस में लिखा है, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा. तीसरा पापा आ रहा है, नहीं पापा ने पॉलीट्राइकम आ रहा है. ठीक है ना, नहीं पापा आ गए लेने के लिए, पॉली
ट्राइकम। तो ये तीन एग्जाम्पल हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो लीवर रूट से मॉफ की तरफ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, लीवर रूट से मॉफ की तरफ जा रहे हैं, तो ज़्यादा इलेबोरेट कौन होगा, मॉफ ही होगा। तो हम बोलेंगे मॉफिज आर मोर इलेबोरेट देन लीवर रूट।